हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम मैक्रो बनाना सीखेंगे। इसके पहले भी मैक्रो की एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ, ये दूसरी वीडियो है मैक्रो को लेकर के। तो चलिए ये देखते हैं कि मैक्रो हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 वर्जन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके पास जो भी वर्जन हो, इवन 2007 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही काम कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहां से स्टार्ट बटन पे चलता हूं और यहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कर लेता हूं ओपन। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो गया है। अब यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे आपको करना है क्लिक और यहां से क्रिएट पर कर देना है क्लिक। तो ये इस तरह का सिनेरियो आएगा। अब यहां पर चल करके एक प्रोडक्ट के लिए मैं टेबल बना लेता हूं, तो यहां लिख देता हूं प्रोडक्ट टी, यानी प्रोडक्ट की टेबल मैं बना रहा हूं और यहां पर कर देता हूं प्रोडक्ट नंबर। ये कर दिया हमने प्रोडक्ट नंबर और प्रोडक्ट नंबर को ऑटो नंबर रखा है हमने। और फिर यहां पे प्रोडक्ट का नेम कर देता हूं, तो यहां लिखता हूं प्रोडक्ट नेम और फिर यहां पे प्राइस की बात कर लेते हैं, तो यहां प्राइस। अच्छा, प्राइस को करेंसी डेटा टाइप रखेंगे, तो यहां से करेंसी चूज कर लेते हैं ड्रॉप डाउन से। ये सारे डेटा टाइप्स हैं और यहां पे यूनिट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई चीज 3.5 किलो 4.5 किलो या इस तरह के अमाउंट में आए जिसमें हमें डेसिमल की जरूरत पड़े, तो दैट्स व्हाई यहां डेसिमल भी रखना जरूरी है। तो यहां पे इसे नंबर बना लेता हूं और यहां पर जनरल ऑप्शन पे आके, यहां पे फील्ड साइज में आके और यहां से ड्रॉप डाउन से चूज कर लेता हूं डबल। फायदा यह है कि हमें डेसिमल में भी एंटर करने देगा। अब इसका टोटल यहीं पे कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 वर्जन में खास बात है कि यहीं पे आप अपनी क्वेरी लगा सकते हैं। यहां पे जाइए और कैलकुलेटेड उठा लीजिए यहां से डेटा टाइप और यहां पर अब प्राइस इनटू यूनिट कर देता हूं, ये इस तरीके से। तो यहां पे आप देख सकते हैं ओके करने पर यहां पे टोटल होके आ जाएगा, ये हमारी क्वेरी रन कर जाएगी। तो ये इस तरीके से आ गया। इसको थोड़ा सा यहां से रिसाइज कर लेता हूं, ये प्रोडक्ट नंबर को भी रिसाइज कर लेता हूं। अब यहां पे प्रोडक्ट का नेम डालेंगे, जो भी प्रोडक्ट का नेम है, जैसे सपोज कीजिए मैं यहां डाल देता हूं हेडफोन और हेडफोन की कीमत है ₹560, ठीक है। और यहां पे 6 हेडफोन बिके तो उसके हिसाब से टोटल आ गया। अब यहां पे कर देता हूं माउस और यहां पे माउस की कीमत ₹200 है और ऐसे ऐसे 20 माउस बिक गए तो यहां टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। ऐसे ही फिर कर देता हूं कीबोर्ड और कीबोर्ड की कीमत है ₹240 और ऐसे ऐसे 30 कीबोर्ड बिक गए तो टोटल कॉस्ट आ गई। तो ऐसे करके और भी डेटा हम चाहे तो फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे कर देता हूं ईयरफोन और एक ईयरफोन बिका ₹120 का और ऐसे 12 ईयरफोन बिक गए तो यहां पे टोटल आ गया। अब यहां पे कर देता हूं एप्पल आईफोन, तो ये एप्पल का आईफोन है, ये बिक गया ₹45,000 का, ठीक है। और दो आईफोन बिके तो यहां पे टोटल आ गया। तो ऐसे करके और भी चीजें आप कर सकते हो। इसको मैं सेव कर लेता हूं और अब इसको यहां से क्लोज कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से क्रिएट पे चलते हैं, ठीक है, और फिर एक और टेबल बना लेते हैं। एक टेबल प्रोडक्ट की बनाई हमने, दूसरा टेबल हम कस्टमर का बना रहे हैं। तो यहां पर कस्टमर कर देता हूं कस्टमर टी, ओके। अब यहां पर कस्टमर आईडी प्राइमरी की है ना, दैट्स व्हाई कस्टमर आईडी। अच्छा, यहाँ पे ऑटो नंबर रखा, हम चाहे तो टेक्स्ट भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ऑटो नंबर ही रखिए, ठीक है। कस्टमर नेम यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर कर लेता हूं, प्रोडक्ट नंबर प्राइमरी की थी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट नंबर कौन सा डेटा टाइप था, ऑटो नंबर रखा था, तो यहां पे नंबर रखेंगे, ठीक है। कस्टमर वाले में हम नंबर रख लेंगे, यहां से जाके और यहां से नंबर रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे, दैट्स व्हाई यहां प्रोडक्ट नंबर भी ले रहा हूं। अब यहां पे क्या कर दूंगा, यहां पे एड्रेस कर दूंगा, कस्टमर का एड्रेस है ये, सिटी कर सकता हूं, तो ये कर दिया हमने, तो ये सिटी। तो इस तरीके से इसको सेव कर दिया हमने और यहां से क्लोज कर देता हूं इन दोनों को, तो ये दोनों क्लोज हो गए। अब यहां पे डेटा हमने फिल कर लिया है, यहां पे डेटा हमें फिल करना है, ठीक है। तो यहां पे डेटा फिल कर लेता हूं यहां से, ये देखिए
इस तरह से आपने ये भी डाल दिया, और फिर यहां पे देवरिया, सिटी का नाम देवरिया, इस तरह से तीसरे कस्टमर का, और फिर यहां पे नाम, और यहां पे थ्री। फिर यहां पे क्या करेंगे, ये आपका एड्रेस हो, वो एड्रेस यहां पे आ जाएगा, कस्टमर की डिटेल है, और यहां पर सिटी का नाम गोरखपुर। ओके, तो यहां पे अब इसको सेव कर देता हूं। तो ये दो टेबल्स हमने बनाया है, ठीक है। अब यहां पे हमें मैक्रो क्रिएट करना है, इसके पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म भी बना लेते हैं। तो यहां से चलता हूं, और यहां से हम चाहे तो फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, फॉर्म विजार्ड पे जा सकते हैं, मोर फॉर्म पे भी जा सकते हैं। मैं डायरेक्टली फॉर्म पे क्लिक कर देता हूं, तो ये अपने आप डिजाइन होकर आ जाएगा फॉर्म। ये देख सकते हैं इस तरह से आया हुआ है। आप चाहे तो इसको सेटअप कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं कैसे इसको हम सेटअप कर सकते हैं अपने खुद से। तो यहां से थोड़ा सा आपको छोटा बड़ा करना पड़ेगा, यही थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अगर आप डायरेक्टली फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं तो ये डिजाइन होकर तो आ जाता है अपने आप, लेकिन इसको आपको सेटअप करना पड़ेगा अपने तरीके से जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये लोगो वगैरह हटा देता हूं और इसको सेटअप कर लेते हैं। इसको हेडर में कुछ नहीं रखेंगे हम, और यहां पर इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट को, और कलर इसका बदल देते हैं। तो या होम पे जाके और फिर यहां से कलर जो है इसका मैं रेड कर देता हूं और बोल्ड कर देता हूं, और यहां से पीछे का जो हिस्सा है उसको एक अलग कलर प्रोवाइड कर देते हैं कोई सा, ये कलर, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने कलर दे दिया। अब जब इस पे आप जाएंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग इसमें और भी करना चाहता हूं मैं, यहां से फॉर्म चूज कर लेता हूं, और यहां से ये सॉफ्टवेयर जैसा दिखे, इसके लिए सॉफ्टवेयर का लुक है, इसके लिए पॉपअप को यस कर दूंगा, ठीक है। तो ये पॉपअप जब यस हो जाएगा तो ये अब सेव कर दिया हमने इसको कस्टमर टी, कस्टमर टी ये हो गया है, इसको कस्टमर एफ कर देता हूं, रीनेम कर देता हूं, पहले इसको क्लोज करके फिर यहां से जाके और यहां से रीनेम करना होगा। यहां पे टी की जगह एफ कर देता हूं, एफ यानी फॉर्म, ठीक है। तो ये कर दिया हमने और डबल क्लिक किया। अब ये देखिए ये इस तरीके से आएगा आपको, ठीक है। यानी एक अलग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाला ये सारी चीजें हट गई है इसमें से। आप चाहे तो इसमें अलग अलग बटन भी लगा सकते हैं, बटन कैसे लगाएंगे वो भी बता देता हूं मैं। यहां पर पहले इसको ओपन कर लेता हूं, बड़ा कर लेता हूं यहां से। बटन्स लगाने के लिए आपको इसको डिजाइन व्यू पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डिजाइन व्यू पे कैसे लेंगे, यहां पे जाके और यहां पे डायरेक्टली चले जाइए, डिजाइन व्यू पे आ गया। और बटन्स अगर आप लगाना चाहें तो यहां पे नीचे लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, यहां पे देखिए बटन्स पे जाइए और यहां पे ड्रैग करवा दीजिए सिंपली, तो ये एक बटन क्रिएट हो जाएगा। एक अलग से इस तरीके का विंडो ओपन होकर आएगा, यहां पर आप फाइंड नेक्स्ट या कोई भी बटन बना सकते हैं, जैसे गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन बनाना, गो टू पहले नेक्स्ट रिकॉर्ड का करते हैं, तो गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। टेक्स्ट पे जाके और ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन हो गया, ठीक है। और फिनिश पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये हमने कर दिया इस तरीके से। ओके, और इसी तरह से प्रीवियस रिकॉर्ड का भी आप बटन बना लीजिए, तो यहां पे जाके ये प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन है, तो यहां से प्रीवियस रिकॉर्ड, तो ये बटन वगैरह तो यही से आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये टॉपिक बटन बनाने के लिए मैंने नहीं ये किया है, ठीक है। मैक्रो क्रिएट करना है तो शुरू से ही मैं पूरा सिखा देता हूं ताकि एक वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। चलिए यहां तक हमने कर दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे, तो ये ऐसे आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहां से इस पर क्लिक करते हैं, पहले सेव कर लेता हूं, अब इस पर क्लिक करता हूं तो ये इस तरीके से दिखेगा। आप जैसे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो यहां देखिए A2 आ रहा है, प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाएंगे A1 आएगा, ठीक है। A3 है, प्रीवियस रिकॉर्ड गए, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये स्पेलिंग डबल G हो गया है, इसको सही कर लेते हैं, ये ठीक है। तो ये सही हो गया, अब इसको सेव कर लेता हूं। अब क्या करना है हमें, अब हमें मैक्रो क्रिएट करना है। देखिए एक फॉर्म हमारे पास बना हुआ है, प्रोडक्ट के लिए हमने कोई फॉर्म नहीं बनाया है, तो प्रोडक्ट के लिए भी पहले फॉर्म बना लेते हैं। एड न्यू रिकॉर्ड का बटन बना लेते हैं यहां से, तो यहां पे जाके ऑपरेशन पे जाके फिर एड न्यू रिकॉर्ड, अगर आप डिलीट रिकॉर्ड का भी बटन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे जाके ओके प्रेस कर दीजिए, ये ऐड अ न्यू रिकॉर्ड का बटन हो गया। इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मेट पेंटर बता देता हूँ, होम पे जाइए और होम पे जाने के बाद ये जो दिख रहा है आपको फॉर्मेट पेंटर, पहले इसको सिलेक्शन मिल गया, हमको ऐसा ही बनाना है ये भी, तो फॉर्मेट पेंटर पे चले जाइए और बस इसको क्लिक कर दीजिए आप, ये है ना,
यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सेम इसी तरीके का डिजाइन इस पे भी आ जाएगा। अब ये इस तरीके से दिखेगा, तो ये देख सकते हैं ये इस तरीके का हमने बना लिया। अब यहाँ पे एड अ न्यू रिकॉर्ड पे जाइएगा तो यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड आ जाएगा। प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाइए, ये प्रीवियस रिकॉर्ड है। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए ये नेक्स्ट रिकॉर्ड है। तो प्रीवियस 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 फिर नेक्स्ट 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 और एड अ न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग और कर देते हैं, ये फॉर्म जैसा दिखे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको चूज करके और यहाँ से हम फॉर्म चूज कर लेते हैं। ये फॉर्म चूज कर लिया हमने और यहाँ पर आकर के और पॉपअप को यहाँ से यस कर देता हूँ पॉपअप। ओके, अब इसको सेव कर दूंगा। तो अब ये प्रोडक्ट टी के नाम, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का टेबल है, देख सकते हैं इसमें प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है। और ये कस्टमर का टेबल है, इसमें कस्टमर की डिटेल आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से दो हमने बनाया है। ठीक है, और इसमें बटन वगैरह सब कुछ बना लिया है। अब मैक्रो की बात कर लेते हैं, तो मैक्रो कैसे क्रिएट होगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता हूँ प्रोडक्ट टी पे। ठीक है, इसे डिजाइन व्यू पे ले लेता हूँ। अब हमें क्रिएट क्या करना है, मैक्रो क्रिएट करना है। ठीक है, मैक्रो कैसे क्रिएट होगा, मैक्रो क्रिएट करने के लिए सिंपली क्रिएट पे चले जाइए और यहां से मैक्रो दिया हुआ है इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन होगी और यहां पर आपको मिल जाएगा नीचे, ये देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी आप, ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, आप विंडोज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं उसके लिए आप मैक्रो बना लीजिए। जैसे मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूं विंडो को, ठीक है, तो ये मैक्सिमाइज करने के लिए आप चाहे तो यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, मैक्रो बना सकते हैं, इसी तरह से देनी हो तो यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ओपन करना, रिकॉर्ड को ओपन करना, फॉर्म को ओपन करना सिखाऊंगा। तो ओपन टेबल दिया हुआ है, फिर ओपन फॉर्म दिया हुआ है, तो ओपन फॉर्म पे आप चले जाएं, आपको कौन सा फॉर्म ओपन करना है यहां से आप सेलेक्ट करिए। ठीक है, पहले मुझे प्रोडक्ट का फॉर्म ओपन करना है, तो यहां पे प्रोडक्ट आप कर दीजिए, तो ये प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, और अब ये क्रिएट हो गया है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे कोई कंडीशन देना हो तो कंडीशन दे सकते हैं, कंडीशन के बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहां पर आपको इसको सेव करना है, तो ये मैक्रो वन है, मैं यहां पे प्रोडक्ट एम कर देता हूं, ये लिख दिया हमने प्रोडक्ट एम कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अब इसको रन कर दीजिए, तो ये रन किया तो ये देख सकते हैं क्या खुलकर के आ रहा है, प्रोडक्ट वाली टेबल खुलकर के आ रही है कि नहीं, प्रोडक्ट टी हमने इसे नाम दे दिया है, इसको अभी मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमने एक मैक्रो क्रिएट किया। अच्छा, पहले इसका नाम चेंज कर देता हूं, यहां से पहले प्रोडक्ट टी को ऑफ कर देता हूं सेव करके, और फिर ऑफ करता हूं यहां से। अब इसका नाम चेंज कर देता हूं, यहां पे जाके रीनेम पे, चूंकि फॉर्म है तो एफ लिख देता हूं यहां पे, तो ये एफ कर दिया हमने। अब यहां पे देखिए ये जो मैक्रो हमने क्रिएट किया, डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे, और जब हम ओपन करेंगे इसको, देखिए यहां से रन करेंगे इसको, तो जब रन करना है मैक्रो को तो यहां रन पे क्लिक करिए, ओके किया, ऐसी दिक्कत क्यों आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने नाम तो चेंज कर दिया लेकिन यहां पर तो नाम वही है, तो इसको डिजाइन मोड पे ले करके और ये प्रोडक्ट टी जो है इसको हटा देता हूं। अब प्रोडक्ट एफ हो गया है ना इसका नाम, पहले तो प्रोडक्ट टी था अब एफ हो गया है, तो यहां पर चले जाइए और अब इसको सेव कर देता हूं, फिर इसको रन करवा देता हूं, तो फिर उससे वही चीज खुल करके आपके सामने आ जाएगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको ये पता जरूर चल जाएगा कि कैसे हम ओपन के लिए मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म को ओपन करने के लिए मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहे तो टेबल के लिए भी मैक्रो बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर इसमें टेबल आ जाएगी आपके लिए। ठीक है, टेबल मैंने नहीं रखा है, आप टेबल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इससे प्रॉब्लम आपकी जरूर सॉल्व होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।